आगे है, एक साथ मिल जाने के बाद मौजूद हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति का हाथ मिलाता है। मतलब क्या कि हैंडशेक करना, मतलब हम हाथ मिलाते हैं। यदि सब में सभी में 105 हाथ मिलाते हैं तो पार्टी में कितने लोग मौजूद थे। मतलब हम जितने भी पार्टी में लोग हैं, कि जैसे हम तीन जने हैं, मैंने इनके साथ भी हाथ मिलाया, मैंने उनके साथ भी हाथ मिलाया, तो मतलब ऐसे करके कितने हाथ मिलाते हैं वो, 105 हाथ मिलाते हैं, तो बताओ वहां पर कितने लोग प्रेजेंट थे, कितने लोग मौजूद थे। तो आप इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो टोटल हैंडशेक्स का एक फॉर्मूला होता है, कितना होता है, n n-1/2। टोटल हैंडशेक्स का फॉर्मूला होता है n n-1/2। n क्या होता है, n होता है जितने आदमी थे, तो वही हमने वही तो निकालना कि कितने आदमी थे। तो हम पहले टोटल हैंडशेक्स लिख लेते हैं, कितना, 105 इक्वल टू n n-1/2। अब इसको ऑप्शन से करते हैं, इसको ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 14 पुट करके देखो, n की जगह पे 14 पुट करके देखो, ये जो सारा सोल्व करके 105 बनना चाहिए, करते हैं, n की जगह पे 14 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13/2। दो के टेबल पे कट करो तो कितना आएगा, 7 पे, 13 को 7 से करेंगे तो कितना आता, 13 को 7 से 91 होता है, 51 होता है, लेकिन मेरे पास तो 105 बनना चाहिए, तो मतलब ये ऑप्शन तो बन नहीं सकता क्योंकि 14 से हमारे पास आंसर छोटा आ रहा है। बी ऑप्शन है हमारे पास 13, 14 से तो बन नहीं रहा, 14 से तो छोटी वैल्यू आ रही, तो 13 से कहां से आएगी, 13 से तो और छोटी हो जाएगी वैल्यू, तो वो तो ऑटोमेटिकली नहीं होएगा। तो तीसरा ऑप्शन है 15 पुट करके देखते हैं, 15 में से 1 गए 14/2, 2 के टेबल पे 7 पे, तो 15 को 7 से करते हैं तो 105 ही आता है, तो हमें वही तो बताया हुआ कि 105 है, तो क्या वैल्यू पुट करके 105 बन रहा है, 15, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन।